देखिए, शहीदों की याद में नामसाई से लेकर नामते तक एक साइकिल रैली निकाला गया, जो अरुणाचल सरकार के और सौजन्य से और दाव डिवीजन के सौजन्य से निकाला गया। मेरे साथ वर्तमान उपस्थित है अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम जी मौजूद। सबसे पहले आपका एनी न्यूज़ स्वागत, क्या कहेंगे इस समारोह के विषय में? देखिए, ये जो साइकिल एक्सपेडिशन है, ये 11 साल जो हमारा नामसाई टू नामटी जो साइकिल एक्सपेडिशन है, वालोंग डे पे हम मनाते हैं और वालोंग डे का 62 इयर्स हो गया है। वालोंग डे यानी कि वालोंग में जो नामटी बोल के इलाका है, वहाँ हमारा चीन का साथ बहुत लड़ाई हुआ रहा। लड़ाई में हमारा बहुत जवानों ने अपना जीवन आहुति दिया, कुर्बानी दिया। करे कठिन परिस्थिति था, यातायात का सुविधा नहीं था, जो सब नीचे से जो सपोर्ट समय में मिलना चाहिए उस तरह का सुविधा नहीं था, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपना जीवन आहुति दिया है। तो हमारा लिए, हमारा भविष्य के लिए उनका यादगार में यह जो साइकिल एक्सपीडिशन का ये आयोजन किया गया है। गया साल इनका शुरुआत हुआ, अभी ये सेकेंड एडिशन है। आने वाले समय में और धूमधाम से और बड़ा स्तर में हम करेगा, इंटरनेशनल लेवल का स्तर में करेगा। खेल कूद में अरुणाचल प्रदेश बहुत आगे चल चुका है, चाहे इंडिविजुअल गेम बोलो चाहे टीम गेम बोलो, बहुत आगे। कल्चर में अभी हम बहुत आगे बढ़ चुका है। ब्यूटी पेजिंग में भी हमारा बहुत लड़की लोग बच्चे लोग आगे बढ़ चुका है। तो हम किसी से, ऑल्डो वी आर ए लेट स्टार्टर अरुणाचल प्रदेश एज आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, बट वी आर कैचिंग अप विद अदर स्टेट ऑल्सो, अदर डेवलप स्टेट ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्ट। सो वी आर नॉट फार बिहाइंड एंड वी आर गिविंग ऑल द पॉसिबल स्कोप, द प्लेटफॉर्म, the facilities to all these young boys and girls. And we have announced this year 2024 as the year of youth. तो युवाओं के लिए जो सुविधा होगा, चाहे खेल कूद में हो चाहे लिखा पढ़ाई में हो, कोई भी स्तर में उनका एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको एंगेजमेंट के लिए, उनका अच्छा फ्यूचर के लिए हम सुविधा देंगे। तो ये स्पोर्ट्स इवेंट, सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट, हम आने वाले समय में और माराथन रेस भी करेंगे। नामसाई टू रोइंग हम माराथन इवेंट भी कर रहा है। तो इस तरह का स्पोर्ट्स, कल्चर, टूरिज्म, देशभक्ति, ये सब एक साथ मिंगलिंग करके हम आगे बढ़ेगा। और हमारा ईस्टर्न एरिया जो ये परशुराम कुंड है, विस्मंग नगर है, आपका मायोदिया है, सेवन लेक आनिनी है, नामदफा टाइगर रिजर्व है, इस तरह का विजयनगर है, इतना सुंदर एरिया है, इतना सुंदर इलाका है, पूरा इलाका का एक टूरिज्म सर्किट हम बनाना चाहते हैं। हमारा आदरणीय टूरिज्म मंत्री खुद यहाँ में उपस्थित है, तो उनका लीडरशिप में हम एक अच्छा टूरिस्ट सिनेरियो देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे अरुणाचल सरकार के डिप्टी सीएम। उन्होंने साफ तौर से कहा, जिस तरह से अरुणाचल में जो स्पोर्ट्स के प्रति लोग आग्रह हो रहे हैं और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से अरुणाचल सरकार को काम करना है, वो आगे भी यूं ही काम करते जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई से विजय शर्मा, एनी न्यूज़।